इस महामारी के दौर में कोलडैम प्रोजेक्ट भी लोगों की सहायता के लिए आगे आया है। प्रोजेक्ट के हेड एसएम चौधरी ने बताया कि कोलडैम की तरफ से लगभग 5 लाख रुपए मास्क, दवाइयों और सैनिटाइजर खरीदने के लिए प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अलावा गरीबों के लिए राशन भी उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि अभी 3 लाख रुपए और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। एनटीपीसी कोलडैम जिला प्रशासन के साथ कोविड-19 को रोकने के अभियान में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। कोलडैम द्वारा अब तक 5 लाख रुपए की सहायता मेडिकल इक्विपमेंट के रूप में अथवा सैनिटाइजर एवं खाद्यान्न के रूप में बांटा जा चुका है। इसके अतिरिक्त लगभग 3 लाख रुपए की मेडिकल सामग्री एवं खाद्यान्न प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में है। इसके अलावा कोलडैम के एनटीपीसी के कर्मचारियों ने खुद ब खुद धनराशि इकट्ठा करके आसपास के गांवों के जरूरतमंद 250 लोगों में एक सप्ताह का राशन वंटित किया है। मैं एनटीपीसी कोलडैम की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि कोलडैम परिवार इस अभियान में स्टेट गवर्नमेंट के साथ पूर्ण रूप से साथ है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।